Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. My name is Riyaz Khan and we are back with new video. Today our topic is Winstrol. It is a very famous steroid and I thought that many messages were coming that Winstrol. So let's make a video on Winstrol. It is an interesting steroid and there are many myths on this steroid. People don't understand what it is actually. क्यों इसको स्टैक करें, कैसे ये काम करता है, तो उन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे और आपको सारे मिथ्स जो है वो क्लियर होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भाई जिन्होंने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो प्लीज जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और जो भी आपके क्वेश्चन है वो इंस्टाग्राम पे कीजिए। भाई विंस्ट्रॉल या स्टेनाजोलोल ये दोनों ही एक इसकी ओरल फॉर्म है और दूसरी इंजेक्टेबल फॉर्म है, तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यूज कहीं तक मैच करती हैं एक दूसरे से, मगर कहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है तो उसको हम क्लियर करेंगे। गाइस विंस्ट्रॉल के जन्म से शुरू करते हैं। विंस्ट्रॉल का जन्म हुआ था 1962 में और आते ही बहुत ही फेमस स्टेरॉयड बन चुका था, मगर ये मेडिकली यूज किया जाता था, इसको बॉडी बिल्डर फिजिक एथलीट यूज नहीं करते थे। इसके पीछे की साइंस, कैसे ये स्टेरॉयड काम करता है, क्या है इसके पीछे। विंस्ट्रॉल है डीएसटी डेरिवेटिव, यानी कि ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का एक डेरिवेटिव है। तो इसका मोस्टली जो काम है वो स्किन के रिसेप्टर्स के ऊपर होता है, हेयर्स के रिसेप्टर के ऊपर होता है। होता क्या है, जब हम कोई विंस्ट्रॉल का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं किसी बॉडी के अंदर, तो वो सिमुलेट करता है ब्लड के अंदर फाइब्रिनोलाइसिस को। फाइब्रिनोलाइसिस क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, ये वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके फंक्शन को प्रॉपर बना देता है। साथ ही साथ इस स्टेरॉइड की कैपेबिलिटी है कि ये रिड्यूस करता है एपिडर्मिस फैट को, यानी कि जो हमारे स्किन के बीच में जो फैट होता है उसकी लेयर को ये हटा देता है, जिसकी वजह से आपको जो है वेन्स ज्यादा विजिबल होती हैं और एक ड्राई लुक मिलता है आपको मसल के ऊपर। तो जनरली होता क्या है कि लोग इसको स्टैक करते हैं ट्रेन जैसे स्टेरॉइड के साथ, और जब ये ट्रेन के साथ स्टैक होती है तो ट्रेन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो लोगों को स्किन डिजीज देती है या स्किन पे आने वाली परेशानियां देती हैं, तो उनके ऊपर हम ट्रेन वाली वीडियो में बात करेंगे। मगर वो परेशानी लोगों को ना आए इसलिए लोग विंस्ट्रॉल भी लगा लेते हैं। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि विंस्ट्रॉल वो इस वजह से लगाई जा रही है, और खासतौर पर ट्रेनर्स को भी नहीं पता है कि विंस्ट्रॉल को इसके साथ स्टैक क्यों करा गया है। तो इसका स्टैक करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, जिस वजह से इसका यूज किया जाता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके थोड़े से फायदों के ऊपर कि क्यों इसका बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है। तो इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही माइनर सा चेंज आता है जब आप विंस्ट्रॉल यूज कर रहे होते हैं। वहीं पर जो सबसे बड़ा ये चेंज देती है बॉडी के अंदर, ये बॉडी का वही रिड्यूस कर देती है फैट को, ताकि आपकी मसल क्वालिटी और वेन्स विजिबल हो जाए, ज्यादा मस्कुलर दिखाई दे बॉडी। बॉडी में से वाटर को डिप्लीट करती है जिसकी वजह से बॉडी और हार्ड और रिब्ड नजर आती है। तो यही दो तीन रीजन है जिसकी वजह से विंस्ट्रॉल का यूज किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर, अगर कोई विंस्ट्रॉल यूज कर रहा है बॉडी बिल्डिंग में तो उसको क्या क्या नुकसानों का या घाटों का सामना करना पड़ सकता है इस ड्रग का इस्तेमाल करते वक्त। तो गाइस ये जो ड्रग है ये है टीएसटी डेरिवेटिव, और टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी के बीच का जो रेशो होता है वो 5:1 होता है। जब आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल 500 होगा तो डीएसटी का लेवल 100 होगा, एक 5:1 पर काम करता है। अब इससे नुकसान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लिमिटेड अमाउंट में ही डीएसटी रखती है। 5:1 एक बड़ा डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच में, मगर आप कोई डीएसटी डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो रेशो का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब आप डीएसटी डेरिवेटिव बॉडी में डालेंगे तो डायरेक्टली आपके डीएसटी को शूट अप कर देगा वो, यानी कि हो सकता है आपका 5:5 का रेशो बन जाए, 5 टेस्टोस्टेरोन 5 डीएसटी, या उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो वहीं पर आ जाते हैं डीएसटी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, जिसके अंदर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है या तो आपको प्यूबिक एरियाज पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी या फिर आप गंजे हो जाएंगे, आपके बाल उड़ जाएंगे सारे के सारे, ये इससे आने वाला एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट माना जाता है। और विंस्ट्रॉल से आने वाला एक और साइड इफेक्ट जो ज्यादातर देखा गया है एनलार्ज प्रोस्टेट, यानी अगर विंस्ट्रॉल का आप यूज कर रहे हैं और काफी दिनों तक आपने लगातार इसका इस्तेमाल किया है तो आपका प्रोस्टेट बढ़ जाएगा। अब बात ये आती है कि ये कैसे पता चले कि प्रोस्टेट बढ़ गया है,
दो तरीके हैं इसका पता लगाने के। पहला, आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उसको पीएसए लेवल बोलते हैं। आप पीएसए लेवल टेस्ट कराइए तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोस्टेट का करंट स्टेट क्या है। कि अगर एक जर्नल वो रहती है कि अगर आपको यूरिनेशन एक्सेस में हो रहा है या कम हो रहा है, या करने में पेशाब करने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपके प्रोस्टेट पे किसी स्टेरॉइड ने नेगेटिव इफेक्ट दिखाया है। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है पता लगाने का कि आपको इससे कोई साइड इफेक्ट आया है या नहीं। उसके अलावा जो और साइड इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये ड्राई इफेक्ट और बॉडी में से वाटर को डिप्लीट करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ आ जाते हैं आपको जॉइंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। आपके जॉइंट जो है क्रैकिंग पॉपिंग करना शुरू कर देंगे अगर आप विंस्ट्रॉल का यूज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी हाफ लाइफ और डोसेस के ऊपर। तो जनरली लोग इसकी हाई डोज लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और बहुत से जो इंटेलिजेंट ट्रेनर है उनको पता है कि इस ड्रग का क्या यूज है, तो इतनी हाई डोज नहीं भी देते हैं लोगों को। क्योंकि जो भी आपने अभी तक इसके बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स देखे, उससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि बॉडी बिल्डिंग में डायरेक्ट इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं देती है बहुत ज्यादा, बस इसका जो फायदा आता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो यही है कि आपकी बॉडी को ड्राई और एक मस्कुलर लुक दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी हाफ लाइफ के ऊपर। तो इसकी जो टोटल लाइफ है वो 7 दिन की होती है, यानी कि हाफ लाइफ 3 से 4 दिन के अंदर ये बॉडी से डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। बहुत ही एक्टिव होता है ये स्टेरॉइड, बॉडी में जाते ही एक्टिवेट हो जाता है। वाटर सोलेबल स्टेरॉइड है, यानी कि ये वाटर बेस है। इसको जब आप इंजेक्ट करेंगे इंट्रामस्कुलरली तो ये आपको पेन भी करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी इजीली ऑयल को डाइल्यूट कर सकती है, वाटर को नहीं इन मसल के केस में। तो इसीलिए ये स्टेरॉइड जो लोग यूज करते हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको इंजेक्शन साइट पे जो है पिप हो रहे हैं। पिप का मतलब होता है पोस्ट इंजेक्शन पेन। तो बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है जब आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है या वहां पे बहुत बड़ा घाव बन जाता है जिससे जो है बहुत दिक्कतें हो जाती हैं लोगों को। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है विंस्ट्रॉल को यूज करते हुए। तो बात कर लेते हैं इसके हाफ लाइफ और डोसेस वगैरह के ऊपर। तो 7 दिनों तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि 3 से 4 दिन इसकी एक्टिव लाइफ है। वहीं पे जो स्टेना का जो स्टेना वर्जन है इसका, यानी कि ओरल जो सब्सटेंस है, वो 7 घंटों के लिए एक्टिव रहता है और 24 घंटों तक बॉडी में पाया जाता है, उसके बाद वो डिप्लीट हो जाता है बॉडी से। सिमिलरली कुछ लोगों में उससे भी लंबा जा सकता है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि कितना हमारी बॉडी में सरवाइव करते हैं। गाइस दैट्स इट फ्रॉम द विंस्ट्रॉल वीडियो। होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।